जम्मू कश्मीर में हालात पिछले कुछ दिनों से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ दूसरे गैर मुस्लिमों को भी आतंकी लगातार टारगेट कर रहे हैं। घाटी में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार हत्याओं का दौर जारी है। पिछले 26 दिनों की ही अगर बात कर ले तो आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में बीते 26 दिनों में 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। हालात इस कदर बने हुए हैं कि आए दिन घाटी से पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं सरकारी कर्मचारी जम्मू में ट्रांसफर चाहते हैं। पहले सुरक्षा बल को, सेना कैंप को टारगेट करने वाले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में इन दिनों दहशत फैलाने का एक नया तरीका खोज निकाला है। इन दिनों वो जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। इन टारगेट किलिंग्स के कारण कश्मीर में इन दिनों स्थानीय लोग दहशत में हैं, दहशत का माहौल है। तो वहीं अपनी जान माल की रक्षा के लिए कश्मीर में काम करे प्रवासी मजदूरों ने पलायन का रास्ता चुना है। इसी को लेकर एक टीवी चैनल से फिल्म निर्माता और एक्टिविस्ट अशोक पंडित ने, जो खुद भी एक कश्मीरी पंडित हैं, क्या कुछ कहा, क्या कुछ बातचीत के दौरान सवाल उठाए, आइए बताते हैं आपको। अशोक पंडित से जब सवाल पूछा गया कि कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे, तो अशोक पंडित ने जवाब दिया, कश्मीरी हिंदुओं को लेकर सरकार हमारा इस्तेमाल क्यों कर रही है, सरकार कश्मीरी हिंदुओं का रिलोकेशन करे, नहीं हुए तो सामूहिक हत्या होगी, पलायन करने के लिए हालात पैदा किए जा रहे हैं, कश्मीर हिंदुओं के लिए असुरक्षित है, लोग पिस्टल लेकर घूम रहे हैं, सिस्टम फेल हो चुका है और माहौल डरावना है। अशोक पंडित कश्मीर में जो हालात हैं उससे वो बेहद नाराज नजर आए और इसलिए उन्होंने सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर समस्या का हल क्या है तो उन्होंने मांग की और कहा, सरकार साल डेढ़ साल के लिए कश्मीरी हिंदुओं का रिलोकेशन करे, कश्मीर के हालात दुनिया से छिपे नहीं है। पीएम खुद कहते हैं जान है तो जहान है, जान है तो नौकरी करेंगे, गृहमंत्री रिलोकेशन का निर्णय ले। इतना ही नहीं, अशोक पंडित ने तो जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के इस्तीफे की मांग भी कर डाली और कहा, मनोज सिन्हा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, कश्मीर में मजबूत LG होना चाहिए जो कश्मीर को समझता हो, कश्मीर में आर्मी बैकग्राउंड का व्यक्ति होना चाहिए, जगमोहन जैसा व्यक्ति जो कश्मीर को समझता है। अशोक पंडित का मानना है कि मौजूदा सरकार कश्मीर को नया कश्मीर बनाना चाहती है, तो वहीं पिछली सरकारों की कश्मीर पर मंशा को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कश्मीर में सरकार नाकाम हुई है तो अशोक पंडित ने कहा, सरकार हिंदुओं को बचाने में विफल हुई है, विपक्ष को बोलने का हक नहीं है, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गांधी परिवार को बोलने का हक नहीं है क्योंकि उन्होंने आतंक का बीज कश्मीर में बोया, सरकार सुरक्षा में विफल हुई पर आतंक खात्मे का उद्देश्य है, कश्मीर को नया कश्मीर बनाने का लक्ष्य इस सरकार में है। आइए बताते हैं फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर अशोक पंडित ने क्या कहा। मांझी ने खुद नहीं देखी होगी फिल्म, 1990 में कौन सी फिल्म बनी थी, हमारे कत्लेआम के समय कौन सी फिल्म बनी थी, क्या आप इतने कमजोर हैं, फिल्म से ऐसा होगा, उनकी तकलीफ है कि फिल्म ने बेनकाब कर दिया। तो वहीं कश्मीरी हिंदुओं को पक्ष बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, कश्मीरी मुद्दों को लेकर कभी भी कश्मीरी हिंदुओं को साथ नहीं लिया गया, कश्मीर के पॉलिटिक्स को कश्मीरी जानता है, कश्मीरी नेताओं को कश्मीरी पंडितों से डर लगता है। आपको बता दें टारगेट किलिंग से बिगड़ रहे हालात को संभालने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है और राज्य में सुरक्षा को लेकर अमित शाह अहम बैठक कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इससे पहले गुरुवार को भी हालात के मद्देनजर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बातचीत भी की थी।